नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस को लेकर सियासी रार मची हुई है। धार में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज के दिन छुट्टी नहीं घोषित किए जाने पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों की तरह प्रदेश की बीजेपी सरकार आदिवासियों को डस रही है। आज के दिन छुट्टी नहीं घोषित करने को उन्होंने पूरे देश के आदिवासी का अपमान बताया है। सबसे पहले अपने सभी समाज के लोगों को, आदिवासियों को, सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस का विरोध कर रही है, आज छुट्टी नहीं रखी। जब आप हर समाज को छुट्टी दे सकते हो, चाहे राखी हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दिवाली हो, तो आप एक जब विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा, तो मध्य प्रदेश सरकार को क्या परेशानी। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक जहरीले सांप की तरह हुई आदिवासियों को डसने के लिए। भैया, विश्व आदिवासी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो छुट्टी घोषित नहीं होने पर अब सियासत जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि कमलनाथ की तरफ से एक पत्र, एक चिट्ठी लिखी गई थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और उसमें उन्होंने ये मांग की थी कि आज का दिन जो है वो आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसके लिए बाकायदा छुट्टी भी होनी चाहिए। लेकिन छुट्टी क्योंकि जब घोषित नहीं की गई, तो अब कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है, खूब भुना रही है इस मुद्दे को, और कहा जा रहा है कि आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है। पंकज चतुर्वेदी संवाददाता, माफ कीजिएगा, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता, वो जो कि पक्ष रखेंगे बीजेपी का। पंकज जी, अगर आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित नहीं किया तो बीजेपी ने देश के आदिवासियों का अपमान कर दिया, ऐसा उमंग सिंघार का कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए अंशिका जी, भारत की परिभाषा आदिवासी जनजाति वर्ग के लिए बहुत स्पष्ट। कांग्रेस पार्टी की क्या परिभाषा है? मेरी आवाज आ रही है अंशिका जी? जी जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी की क्या परिभाषा है कांग्रेस जाने। आज उमंग सिंघार जी जिस दिन की बात करें उसको बोलते हैं इंडिजिनस डे, नॉट ट्राइबल डे। यदि अंग्रेज उमंग सिंघार जी अंग्रेजी जानते हो ना जानते हो, तो राहुल गांधी से पूछे कि आज के दिन में एक षड्यंत्र था दुनिया भर के आदिवासी जनजातियों के अपमान करने का, इसलिए तय किया इंडिजिनस डे। ये ट्राइबल डे नहीं है, जनजाति दिवस नहीं है, ना आदिवासी दिवस है। तो क्यों कांग्रेस के लोग, कब कांग्रेस की सरकारें 60-70 साल में थी, कब कांग्रेस ने छुट्टी करी, कब इस प्रकार का दिवस मनाया? मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए जनजाति गौरव दिवस है 15 नवम्बर, भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती, और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में आदिवासी जनजाति शब्द लिखा हुआ है, इंडिजिनस मूल निवासी शब्द नहीं लिखा हुआ। ये जरा स्पष्ट करना पड़ेगा उमंग सिंघार जी को और कांग्रेस के लोगों को। और जब तक ये इनमें भ्रम बना रहेगा, तब तक ये ऐसे भ्रम फैलाते रहेंगे। मुझे दुख है कि उमंग सिंघार जी स्वयं आदिवासी वर्ग से आते हैं और उनको इस बात की जानकारी स्पष्टता नहीं है कि मूल निवासी और आदिवासी में क्या अंतर है, इंडिजिनस और ट्राइबल में क्या अंतर है। जनजाति गौरव दिवस भारत में 15 नवंबर को होता है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर। तो ये सब चीजें कांग्रेस की समझ का फेर है, इसीलिए भ्रम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, क्या आज अगर आदिवासी दिवस के दिन आप लोग का कहना है कि छुट्टी घोषित नहीं की गई है, तो अपमान बीजेपी कर रही है आदिवासियों का, सिर्फ छुट्टी से ये कह दिया जाएगा कि अपमान हो गया? न्यूज 18 के जो दर्शक अभी सुन रहे होंगे और आदिवासी वर्ग जो सुन रहा होगा खासकर, वो साफ साफ देख रहा होगा भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं में विरोधाभास की, मतलब जो दिख रहा है उनकी ध्वनि में दिख रहा है, जो बोलते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, उनको इतनी गुस्सा आई है कि आदिवासियों को के खिलाफ उनका गुस्सा जग जाहिर हो रहा है आज, जिस तरीके से पंकज चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं। खैर, उनका मामला है क्योंकि वो चिढ़ते हैं आदिवासियों से, क्योंकि आदिवासी शब्द से ही चिढ़ है, क्योंकि वो लगातार वनवासी कहते हैं आदिवासियों को, पता होगा आप सबको भी और आदिवासियों को भी पता है। तो इनकी जो नीति और नियत है आदिवासी के लिए कभी अच्छी नहीं रही है। इनके नेता जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे पेशाब करी थी, ये जग जाहिर है आदिवासी के ऊपर, तो इनकी नीति और नियत कभी अच्छी नहीं रहेगी। सीधी सच्ची बात उमंग सिंघार जी ने बोली है कि आप विरोधाभास है आपके पास, आपने छुट्टी घोषित क्यों नहीं करी, उसके जवाब और तर्क आप सुनिए कि लगातार वो कोसने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, कहीं आदिवासी वर्ग के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं।
तो ये सब बातें दिखाती हैं कि इनकी सोच जो है पूरी आदिवासी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार वनवासी तो कहती थी, मैंने आपको बताया, आप भी इस पे शायद समझते होंगे कि ये वनवासी क्यों कहते थे आदिवासी को। अरे आदिवासी जंगल में रहने वाले, मतलब जय जोहार क्यों बोलते हैं, शायद ये भी नहीं समझ पाएंगे ये। लेकिन उनका कहना है कि जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, हम उस दिन को आदिवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। अरे आज आदिवासी दिवस नहीं है क्या, आप मुझे इतना बता दीजिए पंकज जी, आज है कि नहीं है दिवस? आज नहीं है आदिवासी दिवस, आज इंडिजिनस डे है भाई, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। विश्व आदिवासी दिवस आज है कि नहीं है, नहीं आप मुझे इतना बता दीजिए। नहीं है, आपकी नजर में नहीं है कि है ही नहीं? नहीं है, ट्राइबल डे भाई, ये जानकारी उमंग सिंघार जी को होना चाहिए। इंडिजिनस हमारे आदिवासी नहीं है, जनजाति और ट्राइबल इंडिजिनस में अंतर समझे कांग्रेस पार्टी। अरे आप यही तो मार खा रहे हैं, आप आदिवासी वर्ग की बात को अगर समझ जाते हैं तो आदिवासियों पर पेशाब करने जैसी घटनाएं नहीं घटती। लेकिन पंकज जी, छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है ना, खुद की सरकार है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, यही तो। पंकज जी जी, छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, कई कार्यक्रम भी हैं, विष्णुदेव साय आज इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो मध्य प्रदेश में क्यों अलग दिन आदिवासी दिवस? ये इंडिजिनस डे है, ट्राइबल डे नहीं है सर। पंकज जी थोड़ा पढ़ के, थोड़ा सा, मैं आप बहुत बड़े हैं, विद्वान हैं सर, आपकी सरकार ही मना रही है। ये कांग्रेस के लोग भ्रम उत्पन्न करना चाह रहे हैं, वही वाली बात, इंडिजिनस डे को ट्राइबल डे की बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना छत्तीसगढ़, इंडिजिनस को जनजाति बोलते क्या जीका जी? सुनने को तैयार ही नहीं है, समझने को तैयार ही नहीं है। अभिनव जी क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, अभिनव जी क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। अभिनव जी बोलिए, कहना है इन्हीं की सरकार मना रही है, मैं वही तो इनको समझाना चाह रहा हूँ। हो सकता है इनको ज्ञान नहीं होगा, पंकज जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन हो सकता नहीं होगा ज्ञान। इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में मना रही है, विष्णुदेव साय जी खुद मना रहे हैं। अब इनको जानकारी नहीं है उमंग सिंघार का विरोध करना है, क्योंकि इनको आदिवासी का विरोध करना है तो बोलेंगे ये। इनको बोला जाता है कि अरे हमको इस लाइन पे नहीं चलना है, हमें आदिवासियों का विरोध करना है। ये कॉर्पोरेट कल्चर वाले लोग हैं पूरे तरीके से, ये कैसे कर पाएंगे आदिवासियों के हित में बात? सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो दिन है इसको इनकी सरकार भी मना रही है और हर आदिवासी मना रहा है और चाहता है। ठीक है आप दोनों की अपनी बातें हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस साथ में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अभिनव जी आपका भी, पंकज जी आपका भी, शैलेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में कहना है कि हम 15 नवंबर को आदिवासी दिवस मनाएंगे, बिरसा मुंडा का जन्म उस दिन हुआ था तो उसी दिन को हम आदिवासी दिवस के रूप में मनाएंगे, तो क्या ये बीजेपी के लिए आदिवासी दिवस 15 नवंबर को है? हालांकि इंटरनेशनल आदिवासी डे तो आज ही मनाया जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरे देश भर में कहें या पूरे विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस आज के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन बीजेपी का ये तर्क है कि बिरसा मुंडा की जो जयंती है उस दिन यानी 15 नवंबर को वो अवकाश भी घोषित करते हैं, उस दिन वो जनजातीय दिवस भी मनाते हैं। साफ तौर पर बीजेपी के विधायक का कहना है कि ये जो कांग्रेस है ये केवल तारीखों के फेर में फंसने का काम कर रही है और जनता और जनजाति वर्ग के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। लेकिन मैं बताऊं कि चाहे उमंग सिंघार हो या फिर जो कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया हो, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो आदिवासियों से घृणा करती है, तो ऐसे में उनके जो मूल दिन है, जो आदिवासियों का दिन है, उस दिन को मनाने का काम नहीं कर रही है। हमेशा आदिवासियों पर उत्पीड़न करने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है, लेकिन कभी उनकी उत्थान की बात जो है वो इस सरकार ने नहीं की है। तो पूरी तरीके से हम देखें तो आदिवासी दिवस को लेकर सियासत जो है अब मध्य प्रदेश में गर्मा गई है, तारीखों पर तारीख का हवाला दिया जा रहा है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो। अब देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आज के दिवस को आने वाले समय में क्या आदिवासी दिवस मनाएगी या फिर जो 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जो जयंती है उस दिन ही मनाएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कल भी कमलनाथ की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मांग की थी कि कांग्रेस की सरकार में आज के दिन मध्य प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई इस अवकाश को भी बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को जो सम्मान की बात है उसको दरकिनार करने का काम पार्टी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में आज आदिवासी